बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड, अगर आप अपने मोबाइल में जो है तस्वीर, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स या कोई भी फाइल हो, आप चाहते हैं कि बग़ैर यूएसबी का अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहता है, आपके पास यूएसबी नहीं है या यूएसबी ओपन नहीं हो रहा, कुछ भी मसला है, उसके बग़ैर भी आप अपने मोबाइल से जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स या फाइल, फ़ोटो, कुछ भी है वो आप बग़ैर यूएसबी से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में इसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सेंड कर सकते हैं बग़ैर यूएसबी से फाइल अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ये आप लोग भी ट्राई करें, आपका भी ये मसला हल हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में बिल का आइकन आपको नज़र आएगा, वो आप उस पर आप क्लिक करें। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अपना प्ले स्टोर पर जाएँ और बहुत आसान तरीका है, आप अपना प्ले स्टोर पर जाके और यहाँ से मैं प्ले स्टोर पर जाऊँ, प्ले स्टोर को ओपन कर दिया मैंने और यहाँ टॉप में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे वाईफाई, ये जो लिखा हुआ है यहाँ आपको नज़र आ रहा है वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र, इसको जो है इसको आप सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च करोगे तो टॉप में आपको कुछ इस तरह आइकन आपको नज़र आएगा और इसमें जो है टॉप वाला आइकन जो है ये, इसको आप ओपन करें। यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पे आप इंस्टॉल का नज़र आएगा, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। जैसे कि मैंने पहले इसको डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर जाके और इसका इस तरह आइकन है, यहाँ इसको जो है आप ओपन करें। यहाँ से जैसे ही ओपन करेंगे तो कुछ आपके सामने इस तरह आ जाएगा और उसके बाद आप स्टार्ट पे क्लिक करें। यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके और यहाँ ये कुछ आपके सामने ये नज़र आ रहा है कोड 192.168, और ये जो है आप लिख दे, कुछ भी कर ले, मैं भी लिख दूँगा और आप इसको जो है यहाँ से यहाँ तक इसको लिख दे अपने कापी में या कुछ भी किसी जगह पर लिख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना ब्राउज़र पे, कंप्यूटर पे जाके और अपना ब्राउज़र ओपन करें। यहाँ ब्राउज़र के ऊपर टॉप में जो है आप लिख दें यहाँ पे 192, मैंने पहले से इसको जो है लिखा हुआ है एक बार, और इसके बाद में यहाँ पे ये मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये कोड जो है आप यहाँ पे टॉप में लिखोगे यहाँ से, ये आप जैसे मैंने पहले लिखा हुआ है और उसके जो है यहाँ पे सर्च करें। जैसे ही आप सर्च करोगे तो अभी आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा और जैसे ही ये ओपन हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा हुआ है मीडिया गैलरी। मीडिया गैलरी जो है यहाँ पे आप क्लिक करें यहाँ से, और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे पिक्चर नज़र आ रहा है आपको, इस पर आप क्लिक करें। अभी आप देख सकते हैं कि जितना भी मेरे पास पिक्चर है वो सब के सब यहाँ आपके सामने नज़र आ रहे हैं। तो बहुत सारे पिक्चर मेरे पास है मेरे गैलरी में, वो सब के सब यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी जो भी आपको डाउनलोड करना है अपना, यानी लैपटॉप में, कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करके और यहाँ से सेव पे क्लिक करें। तो अभी आप देखेंगे कि ये किस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है और यहाँ से सेव पे क्लिक करें तो ये आपके कंप्यूटर में जो है डायरेक्ट सेव हो जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपना वीडियो और पिक्चर फाइल, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, वो सब के सब यहाँ पे जो है सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आपका काम का होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और आगे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो लोग जो है वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ।